शादी का दिन
आ गया, बारात इकट्ठे हो गए, ढोल बज रहा है, शहनाइयां गूंज रही है, डांस हो रहा है, घोड़ी भी आ गई, घोड़ी पे दूल्हा कौन है बैठेगा बोले बाद में तय करेंगे, या पहले दूल्हा के दूल्हा के घोड़ी दुल्हन के घर जाएगी। और नहीं तो इतने हैं कि कह दो प्रधानमंत्री जी तो 2500 रुपये खड़े हो जाते हैं, नमस्कार, इतने घोड़ी पे बैठ गया तो घोड़ी का क्या होगा, बिना दूल्हे की बारात कहां ले जाएगी देश को। और ये धार दीवार आपसे निवेदन करने आया हूं, किसी चक्कर में मत आ जाना, केवल नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया का सरताज राष्ट्र और विश्व गुरु बना सकते हैं। गर्व के साथ कह सकता हूं भाजपा शिवसेना ऐसी नहीं है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जब सरकार बनी तो बाला साहब चाहते तो उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाते, लेकिन बाला साहब ने नहीं किया, ये किसी दूसरे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलता, कांग्रेस और बाकी पार्टियां दादा दादा के बाद बेटा बेटे के बाद पोता पोते के बाद नाती, और यहां तो उम्मीदवार ही नहीं मिला, कांग्रेस के पास नहीं है, राजपा के पास नहीं है, अपक्ष अपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। पति क्या है बुलाए, पति आमदार, पति खासदार, जनता खा जाएगी भाई, और कोई है नहीं, हम दो हमारे दो ऐसे को जिता के क्या मिलेगा, मैं पूछना चाहता हूं, इनको उम्मीदवार नहीं मिला। और बाकी चीज अर्जुन जी ने बताया, मुझे पता नहीं, वो नाम इमाम भूल गया कौन थे आपने, सबका वो झाला हो जाएगा मेरे भाई और बहन। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, धार्मिक का विकास होगा, इस लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा, इतने योग उम्मीदवार आनंद राव जी है तो मुझे गर्व होता है कि हम इनके साथ संसद में रहे, मंत्री रहे, राज्य मंत्री, यहां के विकास में कसर नहीं छोड़े। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार, दिल्ली में एनडीए की सरकार, और शिवसेना और भाजपा दोनों एक और एक मिलकर दो नहीं होंगे, एक से 11 हो जाएंगे, यहां के विकास के सारे काम होंगे, जनता का कल्याण होगा। और इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, पड़ोसी के धर्म निभाने भी आया हूं, आनंद राव जी आपके काम करेंगे, रूदास जी बैठे हैं ये भी काम करेंगे, जरूरत पड़ जाएगी तो शिवराज जी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, कदम से कदम और कंधे से कंधा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा जोर दूर नहीं हूं, जोर से आवाज है ना भोपाल में सुनाई जाएगी, फिर मामा आ जाएगा, चिंता की क्या बात है, मिलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे निवेदन करने आया हूं, कोई झूठ नहीं हो जाए, न इधर देखे न उधर देखे, रामनवमी सियाराम सियाराम मोल प्यारे, धनुष बाण तल तल जारे, तीर कमान देखिए और तुम देखते ही, कमान के बटन दबाइए, आनंद राव और अर्जुन जी को सांसद बनाइए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जीत को जिताइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बोलिए आप सब तैयार हैं? अरे जोर से सम्मत आए, तैयार हैं? शिवसेना को जिताओगे? शिवसेना भाजपा को जिताओगे? तीर कमान की बटन दबाओगे? आनंद राव को सांसद बनाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो आइए आज संकल्प लें कि तीर कमान की बटन दबेगी और भाजपा शिवसेना जीतेगी, आनंद जी सांसद बनेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना की युति को जिताने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ।